Hi friends, so today I'm going to teach you how to make kimchi, and I'm using green cucumbers, Chinese cucumbers, how to make kimchi. So can you have a look at these cucumbers? I have cut them into four, slit them, but they are joined at the bottom. And what you have to do is you have to apply a lot of salt and leave them for 2 hours. I have used almost 1 kg cucumbers. After 2 hours, you need to wash them nicely in water at least 3 to 4 times. Get rid of all the salt. Sara namak nikal jaye. Acche se pani se dhona hai and wipe it dry with a clean cloth. So your cucumbers are ready. And now I'll tell you what to do next. I have taken 1 cup plus a little more in a kadhai and I'm adding चावल का आटा, राइस फ्लावर, कोई भी ब्रांड का चावल का आटा आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और घर पे यूज करते हो, और इसे धीमी आंच पे आप पकाते रहें। इसे तब तक पकाएं जब तक ये अच्छा थिक पॉरेज नहीं बन जाए, फ्लोई सा। मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं सब्जियां यूज कर रही हूँ। ये मैंने पतली जूलियंस काटी है गाजर की, आई होप यू कैन सी। द नेक्स्ट जो है रेडिश या मूली, जो मैंने बारीक पतली पतली लंबी लंबी काटी है जूलियंस। खूब सारे स्प्रिंग अनियंस जो मैंने काटे हैं, और जो सबसे ज्यादा मैंने लिया है वो है एशियन चाइव्स और गार्लिक चाइव्स। अभी विंटर्स में ये बहुत आसानी से सब्जी वाले के पास मिल जाता है और दे गिव रियली गुड फ्लेवर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो हम मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे किमची के लिए। राइस फ्लावर का जो पॉरेज है उसे बार बार हिलाते रहिए, नहीं तो चिपक जाएगा। मैं हल्का सा और राइस फ्लावर पाउडर मिला रही हूँ, 1 टेबलस्पून, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 1 to 2 टेबलस्पून यू कैन इजीली ऐड, और पकाना है। अब ये मिक्सी ली है मैं, इसमें 4 मीडियम साइज के प्याज ले रही हूँ। आप चाहे तो 1 बड़ा प्याज ले लीजिए, और लहसुन की कलियाँ ली हैं, अराउंड 15 से 16 लहसुन की कलियाँ एंड अ स्मॉल पीस ऑफ जिंजर। मैं इन्हें डाल दूंगी मिक्सी में और एक फाइन पेस्ट कर लूंगी। अब ये चावल का जो हम आटे का जो पॉरेज बना रहे हैं, ये बनने के बाद आप देखेंगे इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं, ये गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा हिलाते रहिए, सी इट्स बबलिंग, कीप स्टरिंग। इसमें थोड़ी सी चीनी भी पड़ेगी अभी। देखिए अच्छा गाढ़ा हो चुका है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब मैं गैस को स्विच ऑफ कर दूंगी। चीनी मिला रही हूँ मैं इसमें, अराउंड 1 टेबलस्पून। ये मेरे पास बहुत छोटा टीस्पून है इसके अंदर, तो आपको 2 दिख रहा है। मिक्स इट वेल एंड स्विच ऑफ द गैस। और इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं गरम गरम ही यूज कर रही हूँ। आई कांट वेस्ट दैट मच टाइम। सेकेंड थिंग, आई डोंट नो अबाउट एडिटिंग। सो ये आपने ठंडा होने देना है पेस्ट, 1/2 घंटे के बाद यूज दिस पेस्ट अलोंग, और मिक्सी में आप पीस लीजिए, एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये हमारे किमची में जाएगा। कोरियंस मेक मोर देन 100 वैरायटीज ऑफ किमची। अब मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इस पेस्ट में, कम से कम 3 टेबलस्पून आराम से जाएगा, और सॉल्ट भी चला जाएगा खूब सारा इसमें। जो हम नॉर्मली सॉल्ट डालते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा सॉल्ट आपका पड़ेगा इसमें, क्योंकि सब्जियां भी खूब सारी है। और ये मैं लाल मिर्च ले रही हूँ, जो कोरियन रेसिपी है दैट कॉल्स फॉर कोरियन हॉट पेपर्स, सो दे आर वेरी स्पाइसी, पर आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स विथ लोकल स्टफ अराउंड। तो ये जो मेरे घर की पिसी हुई लाल मिर्चें हैं मैं यही ले रही हूँ, और मैं 1 कटोरी पूरा डाल रही हूँ। आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, ज्यादा डाल सकते हो, एज पर योर टेस्ट। मेरी मिर्चों में रंग बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा तीखी नहीं है। इसे अच्छे से स्क्रेप कर लेते हैं ताकि पिस जाए।
और मैं थोड़ा सा पॉरेज डाल रही हूँ ताकि पेस्ट और आराम से बन जाए। बट यू नीड टू टेक केयर, द पॉरेज इज कोल्ड व्हेन यू यूज इट, आई मीन इट्स एट रूम टेम्परेचर, गर्म नहीं हो। अब ये देखिए मैं इसे पीस रही हूँ और एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा रेड कलर का पेस्ट बन जाएगा। कभी भी गरम कढ़ाई या बर्तन पे सिलिकॉन का स्पैटुला या कुछ भी ना रखे, वो जो प्लास्टिक है वो जल जाएगा। सो सी, ये मैंने बहुत स्मूथ बैटर बनाया है, पर अभी भी कुछ कुछ इसमें पीसेस हैं दर दरे। बाकी का पेस्ट मिला पॉरेज मिलाने के बाद ये बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। बहुत ऐसे लगेगा आपको कि लंबा प्रोसेस है, पर ट्रस्ट मी बहुत ही क्विक है ये बनाने के लिए। द ओनली टाइम इट टेक्स इज 2 घंटा वेट करना पड़ता है जब तक आपके खीरे में से पूरा पानी ना निकल आए नमक का, और सब्जी काटना है बस। जा आपकी सारी चीजें तैयार होने के बाद इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। ये देखिए मेरा पेस्ट बन गया है। अब एक क्लीन बर्तन ले लीजिए, उसमें जो हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स है सारी डाल लीजिए, कैरेट, मूली, स्प्रिंग अनियंस और चाइव्स। और ये जो हमने पेस्ट बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको मिर्चों से जलन होती है हाथों में तो आप ग्लव्स यूज करके काम कीजिए, मुझे आदत है काम करने की तो मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी। कुछ चीजें मुझे लगता है हाथ से मिलाई हुई ज्यादा टेस्ट बनती है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं मिक्सी में थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ, अराउंड 1 कप, और अच्छे से हिला रही हूँ ताकि सारा पेस्ट घुल जाए उसमें। एंड वो विनेगर मैं इसमें मिला रही हूँ किमची के मसाले में। आप आई एम यूजिंग नेचुरल विनेगर, आप चाहो तो इसमें नॉर्मल व्हाइट विनेगर डाल सकते हो, राइस विनेगर डाल सकते हो। ये देखिए पूरा जार भी क्लीन कर लिया है मैंने अब, और अब इसे अच्छे से हल्के हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे, सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आप 2 से 3 दिन अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो फर्मेंट हो जाएगा, या आप फ्रिज में रख दीजिए, हफ्ते 10 दिन के अंदर फर्मेंट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मौसम अभी अच्छा है। मैं इसे बाहर ही रख लूंगी ताकि ये 2-3 दिन में फर्मेंट हो जाए। ये देखिए जो मैंने खीरे कट किए हैं, जनरली उसके अंदर ये स्टफिंग डाल के उसे अच्छे से सील करके जार में डाल दिया जाता है, पर मुझे ये लगता है दिस लुक्स वेरी नाइस व्हेन इट इज बीइंग सर्व, बट वेरी डिफिकल्ट टू पिकअप एंड ईट। सो मैं क्या करूंगी, अभी मैं इनको टुकड़ों में काट लूंगी खीरे को, ताकि ये खाने में हमारे लिए काफी ईजी हो। सो बहुत बारीक टुकड़े नहीं चाहिए, बहुत हद से ज्यादा बड़े टुकड़े नहीं चाहिए, ऐसा साइज का टुकड़ा हो जो एक बार में आप मुंह में डाल सके। ये देख लीजिए अभी मैं आपको कट करके दिखा रही हूं। नॉट टू स्मॉल, नॉट टू बिग, जस्ट परफेक्ट, ऐसा साइज होना चाहिए। और मैं धीरे धीरे सारे कुकुम्बर्स काट के इसमें डाल देती हूँ। फिर आप इसे अच्छे से मिलाइए और एक क्लीन स्टेरिलाइज्ड ग्लास जार के अंदर डाल दीजिए। 2 से 4 2 दिन के अंदर ये रेडी, इनफैक्ट आप तुरंत भी खा सकते हैं इसे, पर फर्मेंट होने के बाद इसका अलग ही मजा है। उसके बाद आप 3-4 दिन के बाद इसे फ्रिज में रख सकते हैं। द वेजिटेबल्स जो खिमची की होती है दे शुड बी क्रंची, जैसे ये लिम्प हो जाए तो ये फिर मजा नहीं आता है खाने का। सो थोड़ा बनाए, फटाफट खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।